नमस्ते, श्री जी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे बढ़िया फलहारी आलू, जिसको बनाना तो आसान है ही और साथ ही टेस्ट आपको एकदम डिफरेंट लगेगा। भाई, आप व्रत में आपने उबले आलू की पकौड़ी है, चीले हैं, भल्ले हैं, टिकियाँ हैं, हर तरह की डिशेस खाई होंगी, लेकिन ये एकदम डिफरेंट है, तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो बढ़िया बढ़िया फलहारी आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू। आप चाहें तो छोटे बड़े कैसे भी ले सकते हैं, वैसे बड़े आलू का यूज़ करें वो ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से पहले छील लिया है और धोने के बाद इसको हम करेंगे। ये कटर आता है मार्केट में, आपके पास इस तरह का कटर नहीं हो तो घिया कस आते हैं, तो ऐसे जिसमें थोड़े से बड़े साइज वाला कस हो उससे हम इसको आलू को करेंगे कद्दूकस। कि हम इस घिया कस के हेल्प से सभी आलू को कस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से प्रेस करके हमें कसना है, जिससे लच्छा बहुत ही बढ़िया निकलेगा। और ये आलू का लच्छा जितना मोटा होगा ये रेसिपी उतनी ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बस इसी तरह का हम इसको इसमें लच्छा चाहिए। आलू का लच्छा काला नहीं हो इसीलिए मैंने इसमें पहले ही एक गिलास पानी डाल के रख दिया है और उसके बाद अब हम इसको कस लेंगे। तो आलू घिसने के बाद बहुत जल्दी काले होते हैं, तो इसीलिए आप पहले जब भी उसका लच्छा तैयार करें उसको पानी में भिगो के ही करें। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से हम सारा कस बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया, ये एक डिफरेंट रेसिपी भी लगेगी और एकदम टेस्ट भी। आप इस तरह से एक बार फलहार हो या वैसे भी आप यदि रेगुलर में इसको इस तरह की रेसिपी बना कर लेंगे तो आपको एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा आलू का, क्योंकि उबले आलू की पकौड़ी हैं, लच्छे हैं, हर तरह वही बनाता है, लेकिन कच्चे आलू की ये रेसिपी आपने शायद ही पहले कभी खाई होगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया लच्छा घिस गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही एकदम परफेक्ट। बस इसी तरह का हमें थोड़ा मोटा मोटा लच्छा चाहिए। तो अब हम लेंगे एक बोल और इस बोल में सभी लच्छे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, सभी लच्छा मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो इसमें निकल जाए। और उसके बाद हम इस लच्छे को बहुत अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि आलू के पानी में स्टार्च बहुत होता है जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, तो आपको इसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप इस बोल में सबको ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद हम इस आलू के लच्छे को अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी है, दाल है, उनको धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे केमिकल्स से मिलकर वो बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास कप पानी में इसको अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरह से इसको इस तरह से मसल मसल के हम इसको वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया है। 1 से 3 बार आप इसको मिनिमम कम से कम धोइए, जिससे कि अच्छी तरह से इसका जो गंदा पानी है वो निकल जाए। और इस तरह से एक छन्नी की हेल्प से सभी हम लच्छे को इस बोल में कर लेंगे ट्रांसफ़र। ये देखिए, जो सारा पानी है वो नीचे आ गया है और आलू का लच्छा इस छन्नी में अच्छी तरह से हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमें इसको ड्राई करना है। और जितना एक्स्ट्रा पानी है आप दूसरे में करके रख दीजिए और इस पानी को आप बिल्कुल मत फेंकिए। ये पानी पेड़ पौधे और जो भी आपके सक पर प्लांट हो उसमें डालने के काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्दी है ये। तो ये देखिए, अभी भी इसमें से बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है लच्छा, तो हम इसको 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद कोई भी नैपकिन लेकर हम इस लच्छे को पूरी तरह से इसमें फैला देंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा जो पानी है वो एब्जर्व कर लेगा टॉवल और अच्छी तरह से ये बिल्कुल लच्छा सूख जाएगा। मतलब हमें एकदम ड्राई लच्छा चाहिए, तो आप कोई भी नैपकिन है, टॉवल है, कुछ भी ले सकते हैं और धीरे धीरे से इस तरह से प्रेस कर करके बिल्कुल हम इसको सुखा देंगे। ये देखिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से ये लच्छा हमारा ड्राई होगा उतने ही आलू की जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं उतनी ज़्यादा टेस्टी और उतनी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें करना है। 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अब उसके बाद हम इसको कर देंगे एक बोल में दोबारा से ट्रांसफ़र। तो बढ़िया बढ़िया से फलियारी आलू लच्छा बनाने के लिए आलू हमारे एकदम तैयार हैं, एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो बस अब इसको करते हैं आगे छौंक की तैयारी। तो इसको सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, और उस पैन में मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच देसी घी, क्योंकि यदि फलियार में आप बना रहे हैं तो आप इसमें देसी घी का यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए 1/2 चम्मच अजवाइन, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप जीरा लेते हैं तो आप जीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अजवाइन लेते हैं तो अजवाइन भी। तो 1/2 चम्मच अजवाइन डालने के बाद अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी
काली मिर्च पाउडर, मतलब मैंने यहाँ पर लिया है आधी चम्मच काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा तीखापन आता है और फलोहार में ये ज़रूर ली ही जाती है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लच्छा बनाकर तैयार किया था ना आलू का, वो सभी लच्छा हम इसमें डाल देंगे। अब लच्छा डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे अजवाइन और काली मिर्च, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी कि ये आलू खाने में बहुत ही कच्चे लगेंगे, जी नहीं, ये आलू जब हम इसको 5 से 10 मिनट जब कुक करेंगे पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया हमारा ये लच्छा बनकर तैयार होगा। तो स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया है जिससे आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। और उसके बाद नमक को भी अच्छी तरह से चलाकर हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि नमक डालने के बाद आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। तो हम इसको ढक के रख देंगे और बहुत बढ़िया अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको अब ढक के रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए आलू पर अब बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। आप इसको एक बार देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और आप हल्का सा इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, क्योंकि आलू और नमक मिलकर काफ़ी पानी छोड़ देते हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें और को इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ क्रश की हुई मूंगफली। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें तो ना डालें तो। और मैंने 8 से 10 यहाँ पर लिए हैं किशमिश के दाने और थोड़ा सा लिया है गोला महीन कटा हुआ। तो मेवा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी मेवा हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसमें मूंगफली का जो टेस्ट आता है जो मैंने क्रश की डाली है वो बहुत टेस्टी होती है, तो आप वो ज़रूर ऐड करें। तो सब लेकिन सब मेवा जो है वो सब ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसको डालने के बाद भी मैंने इसको 3 से 4 सेकंड के लिए एक बार और स्टीम दी है और जिससे पक जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे खोल कर देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह आलू अब हमारे बहुत बढ़िया तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। बस ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा लच्छा बनकर तैयार हुआ है खिला खिला। तो ये लीजिए अब इसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से इसमें डालेंगे महीन कटा हुआ हरा धनिया। आप मसाले और धनिया जो भी आप व्रत में लेते हो आप वो ऐड करिए, नहीं लेते हो तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, उनको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। तो इसके बाद हरा धनिया डालने के बाद मैंने 2 सेकंड के लिए और फटाफट से ढक के रख दिया था और फिर एक बार और चला करके हम इसको कर देंगे मिक्स। और सबसे एंड में हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। जी हाँ, बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है नींबू से। तो ये लीजिए हो गए हमारे चटपटे चटपटे आलू फलिहारी आलू तैयार। अब इसको सर्व करने के लिए हम लेंगे एक प्लेट और आप इसको ले सकते हैं दही से, और यदि आप फलिहारी चटनी आपने बनाई हो तो फलिहारी चटनी से बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसको हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करें जो मैंने बताए ही हैं, और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें अपने मनचाहे वेजीज का भी यूज़ कर सकते हैं जो फल व्रत में ली जाती है। तो ये लीजिए चटपटे चटपटे फलिहारी आलू तैयार हैं। तो एक बार मेरे इस स्टाइल से आप इनको ज़रूर बनाकर देखिए और मुझको कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपसे कैसे बने और आपको कैसे लगे।